बना विजुअल बना। हाँ ठीक है थोड़ा पीछे आइए आप लोग तो आराम से ¡Gracias!
में मजा आ रहा है। बोलो जी मजा आ रहा है। कैसा लगा था? ठीक था, बहुत बढ़िया है। और देखा जा, एक बार देख के देखा जा, और फिर सबके लिया के और इस सिनेमा वापस दिखावे के बाद खुशी मिलती है और पब्लिक के साथ देखने का एक अलग मज़ा है। पब्लिक को हमने देखा, उनके साथ बैठ के सिनेमा देखा, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुजारिश है, अच्छी फिल्म है, इसे अच्छे प्रतिसाद की आवश्यकता भी है और अच्छा लग रहा है। सारा चीज़ खुशी मिल रही है कि अच्छी फिल्म देख रहे हैं हम लोग। गोलू के लिए तो आसान रास्ता हो गया इंडस्ट्री में कदम रखना आपके थ्रू, क्योंकि आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नहीं, मेरे थ्रू कुछ भी नहीं है गोलू का। गोलू का खुद का टैलेंट ही है, ऊपर वाले की ही सारी चीज़ें उनके द्वारा ही निर्धारित होती है। मुझे याद है कि निरवा रिक्शा वाला में भी एक्टिंग के लिए जब संतोष मिश्रा जी ने कहा तो मैं मना कर रहा था कि एक्टिंग अलग फील्ड है,
सिंगिंग चूँकि हमारे अंदर थोड़ा संगीत है तो होगा अंदर, लेकिन जब एक्टिंग के लिए उनको कहा गया तो मैं विरोध ही कर रहा था, लेकिन बोलते हैं होनहार दीवान के हो चिकने पात, उसके अंदर एक्टिंग स्किल था तो ऑलरेडी ऑडिशन में पास हो गया वो, फिर वो बन गई निरव रिक्शा वाला। तो मेरा उसमें कोई एक पिता के नाते तो साथ में हम चलते रहे, लेकिन उसका खुद का टैलेंट ही उसके काम आ रहा है और आएगा भी। आज आपका बेटा जिस मुकाम पे आपको खुशी है या लगता है कि और ऊपर इससे जाना चाहिए? नहीं, इस देखिए ये कला क्षेत्र है, इसमें कुछ कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है, अच्छे मेकर्स आएंगे, अच्छी सोच वाले लोग आएंगे तो और अच्छी चीज़ें बनेंगी। आज साउथ इंडस्ट्री उन्होंने अच्छा प्रयास किया, सिनेमेटिकली गए तो आज ऑल इंडिया में उनका तो एक अलग स्थान है। तो सिनेमा अच्छी बनेगी तो पब्लिक को अच्छी लगेगी, और पब्लिक को अच्छी लगेगी तो बिजनेस अच्छा होगा। सारा मामला जुड़ा हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ सिनेमा पे। सिनेमा अच्छी बनेगी तो पब्लिक ऑटोमेटिकली आती है, देखना चाहती भी और देखती भी। आपने सौदागर पूरी फिल्म देखी है? जी हमने देखी है। कितनी बार देखी है? मेरे ख्याल से एक बार हम लोगों ने देखा था यहीं पे आके सतीश जैन जी के साथ छत्तीसगढ़ी वर्जन, और आज मैं देख रहा हूँ अपना भोजपुरी वर्जन। तो कहानी तो सारी वही है, लेकिन थोड़ा स्टार और कुछ चीज़ें बदली है, लेकिन पहले ही बहुत अच्छी फिल्म थी वो, और आज भी मैं आज देखा हूँ फिल्म को, अच्छा लगा। आप खुद संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, बेटे के लिए क्या खास तैयारी कर रहे हैं संगीत को? ये संगीत हमने ही तैयार किया है, हमारी एक ही कोशिश होती है संगीत के माध्यम से। हम कोई भी गाना बनाएं उसमें थोड़े अकॉर्ड शब्दों का इस्तेमाल ना हो, और ठीक है इंटरटेनमेंट का साधन है ये और मनोरंजन ही करना है लोगों का, लेकिन थोड़े अकॉर्ड चीज़ों से बच के चले तो ऐसा नहीं है, पब्लिक को हर चीज़ अच्छी लगती, अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी। फिल्म में आपने संगीत तो दिया ही था, साथ में और किस प्रकार से आप फिल्मों से जुड़े हैं? क्या नहीं 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 मैं सिर्फ संगीत क्षेत्र से जुड़ा हूँ। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर नहीं, फिलहाल ऐसा कोई इरादा तो नहीं है फिलहाल। इस फिल्म के माध्यम से जुड़े नहीं, इस फिल्म में विशुद्ध रूप से मैं इस फिल्म का संगीतकार हूँ। ऋषभ कश्यप हीरो तो सतीश जैन जी, हमारे बहुत इज्जत करता हूँ मैं जिनकी, सभी अच्छे हैं, लेकिन सतीश जी के साथ काम करने का एक अनुभव ये रहा कि वो बैठ के काम करते हैं, वो प्रॉपर सिटिंग करते हैं, प्रॉपर आपको सिचुएशनली सारा चीज़ समझाते हैं और समझ बूझ के वो करते हैं, तो उनके साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव रहा मेरा। बाकी फिल्में करोड़ों से ऊपर की जा रही है, करोड़ों से ऊपर बिक रही है, बेटे के कैरियर के लेके आपके मन में किसी प्रकार की चिंता रहती है कि मेरा बेटा आगे चल के जो मुकाम हासिल होना चाहिए वो इंडस्ट्री में हासिल नहीं कर पाए, चाहे उससे बड़ा मुकाम हासिल करे? नहीं, बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया उसने, और अभी शुरुआत है, और मुकाम जो ये शब्द है ये अंत तक चलता रहेगा, ये आप जितना स्किल बढ़ाएंगे जितना ऊपर जाएंगे बहुत कुछ करने को है, अभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे कहने के मुताबिक, अभी कुछ नहीं हुआ, अच्छी और भी सशक्त और इससे मजबूत फिल्में आनी चाहिए, और मुकाम तो सबसे बड़े जो हमारे हैं आराध्य हमारे भगवान, उनकी एक अलग स्क्रीन पे चलती है, और वो जो स्क्रीन प्ले लिखते हैं हम आप नहीं समझ सकते। हर कोई पिता चाहता है कि मेरा बेटा अपने लाइफ में कामयाब हो, हर कोई चाहता है, आप भी यही चाहते हैं? कोई भी चाहता लेकिन है, हर पिता के मन में डर होता है कहीं मेरा बेटा कामयाब नहीं हो पाए, कहीं उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उस प्रकार का डर है आपके अंदर? नहीं, एक पिता के नाते अगर आप पिता हैं तो पिता की भावना एक जैसी होती है,
हर किसी की, मतलब सिर्फ मेरे ही नहीं, दुनिया में जितने पिता होंगे हर पिता की एक ही इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा ऊपर जाए। ये साधारण भाव है, सब सबके अंदर होती है भावनाएँ, और पिता यही चाहता है, कोई भी पिता, दुनिया के सारे पिताओं को मैं बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हम भी यही चाहते हैं कि और आगे जाएं, अच्छा काम करें, काम ऐसा हो जो सराहना भी मिले और साथ में सबको भाए, वो काम वही काम होता है जो सबको अच्छा लगे। चलिए, हमारे शुभकामनाएं सर, स्वागत के लिए है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। फिल्मों में आपका फाइट सीन भी इंटरवल तक देखा, बहुत अच्छा था, कितना खास तैयारी किया था आपने फाइट सीक्वेंस? हाँ, फाइट सीक्वेंस का क्या क्या खास तैयारी किया था, इतना जबरदस्त फाइटिंग किया है आपने? नहीं, कोई तैयारी खास की नहीं थी, मतलब कोई खास ऐसा टाइकोंडो तो कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं पिक्चर में, जो नॉर्मली एक कोई कैरेक्टर को जितना करना होता है, मतलब ऐसे सिचुएशन में गिर के वही किया मैंने, तो उसके लिए जो जो मेरे को करवा रहे थे, सिखा रहे थे, मैं बस सीखते चला गया, करते चला गया। फिल्मों के शूटिंग कहाँ कहाँ की है? ये फिल्मों की शूटिंग ये प्रॉपरली छत्तीसगढ़ में हुई है, रायपुर में किया हमने, धमतरी में इसको शूट किया है, और हाँ ये दो जगहों में इसको शूट किया है। बाकी स्टार कास्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपके साथ और कौन कौन स्टार सब उनका परिचय कराएं जी। यहाँ पे अनिकृति चौहान जी हैं जो लीड कर रहे हैं प्ले, उसके बाद रवि साहू हैं जो उसके भाई प्ले कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ में पुष्पेंद्र जी हैं जो कर रहे हैं, और उसके बाद ओझा जी हैं हमारे। आप जी सौदागर, आपने के पिछले सौदागर क्या देख के कुछ प्रेरित हुए हैं, या आपकी कहानी बिल्कुल नहीं? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, इसका टाइटल था ही हसजन पगली फंस जावे, भोजपुरी वर्जन में जो उसे कहा जाएगा, किसी कारण उसको मिला, वो मिला नहीं टाइटल, तो मुझे लगता है फिर सौदागर हमारे जो मेन टीम हेड से उन्होंने डिसाइड किया था, तो ये टाइटल में भी लोगों के अच्छा लग रहा है लोगों को, पर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला, तो मैंने कहीं भी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की वो सौदागर ये सौदागर ऐसा कुछ। गोलू भाई को इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए, उस समय जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था और आज के जैसे आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है, कितना बदलाव महसूस हुआ है इंडस्ट्री में? एक्चुअली मतलब मैं खुद भी बहुत अवेयर रहा हूँ इंडस्ट्री से, मैं बहुत रहा हूँ, रहकर भी नहीं रहा हूँ ऐसा, तो मैं बहुत ही मैंने देखा नहीं कितना इंडस्ट्री बदला है, आउटर लेवल पे मैंने बहुत कुछ देखा है जो बदल रहा है इंडस्ट्री में, मूवीज अलग बन रही हैं और लोग कोशिश अलग तरीके की कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि यार बदलाव तो मतलब ज़रूरी है आपको मतलब जीने के लिए ना, और दैट्स व्हाट कि बदलाव चलते रहेगा, और यू नो हमारा मोस्टली काम ये है कि हम लगातार सीखते रहें और उसके बीच में कुछ ना कुछ करते रहें। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगरों का ही बोलबाला है, गोलू भाई कामयाब हो गए या अपनी कामयाबी कुछ और चाहते हैं इंडस्ट्री में? जी टॉप के चार पांच जो स्टार है सब सिंगर प्लस आर्टिस्ट है, गोलू ऐसा कलाकार है जो केवल आर्टिस्ट है, वो जो मुकाम चाहिए वो हासिल हो जाएगा गोलू को? यार नहीं मतलब मैं भी गाता हूँ यार, मैं भी गाता हूँ, कंपोज करता हूँ और लिखता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, तो ऐसा भी है कि सिर्फ सिंगरों का बोलबाला है, हर कोई गा रहा है, बजा रहा है, नाच रहा है, एंटरटेन कर रहा है, एंटरटेनर है, तो ऐसा कुछ कोई टैगलाइन देना कोई बस बड़ी बात है। कोई गाना रिलीज हुआ आपका सिंगर? मेरी हाँ, इस फिल्म में शायद मैंने एक गाना गाया है राम जी, और एक आध पिक्चर में मैंने गाना गाया है। दो हफ्ता दर्शकों को सुनाएंगे, कुछ गा के सुनाएंगे दर्शकों को? हाँ, तो इसी पिक्चर में कुछ गाया जी, जो आपको याद हो। चले कोई बात नहीं है गोलू भाई, ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी टॉप के स्टार है सिंगर प्लस एक्टर है, और आपके आप भी वही राह पे चल रहे हैं। याद आ गया यार आपकी बात भी थोड़ा जी जी सॉरी, कोई बात नहीं सर। दिखले भामी जब से फोटो,
अखियां के सोझा झल के दिखले बानी जब से फोटो ए राम जी कौनो चक्कर चलाए ओही गोरी से जोड़ी जमाए दी। तो ये सब गाना था, मतलब मेरे को लिरिक्स थोड़ा सा मैं चले कोई बात नहीं। गोलू जी बाकी स्टार जो है वो सिंगल प्लस सेक्टर है, क्या गोलू भाई भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं कंपोज करता हूँ, लिखता हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी राह पे हूँ या वो किसी राह पे है। सिंपल है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो आर्टिस्ट है, एंटरटेनर है, मैं एंटरटेनर हूँ, मेरे में उनमें ना बहुत ज़्यादा अंतर है ना सेम हम लोग। नहीं, वो तो एल्बम की दुनिया से आते हैं इंडस्ट्री में और आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में डायरेक्ट कदम रखा है आपने। ये क्या दुनिया क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब कभी कि वो एल्बम की दुनिया से आते हैं, वो अलग ही ग्रह है कोई, ऐसा तो कुछ है नहीं। नॉर्मल एक बात है कि वो एल्बम्स कर रहे हैं, एल्बम एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो कर रहे हैं, मैं एज अ एक मूवी में आ गया, वो भी पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा किस्सा जो दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ यार, रवि साहू भाई हमारे एक इसमें बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने किया है, हीरोइन के बहन का, उन्होंने काफ़ी बिल्ड किया है अपने शरीर को, उनके साथ में जिम करते रहता था हमेशा लगातार, क्योंकि बहुत टाइम से छूट गया जिम। तो ये है कि यार उनको जब मैंने देखा कि एक फाइट सीक्वेंस के दौरान उनका मतलब नी कहीं से फ्रैक्चर हो जाता था, तो मैंने उनको देखा कि वो उसको झेल नहीं पाए, उनका आंसू निकल आया था, मैं बहुत रोया था उस दिन, मतलब यार ये क्या हमको इतना आठ घंटे जो करना पड़ता है और बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे को लगा कि यार ये सही नहीं है, प्रॉपरली हमको यहाँ पे ये फ्लो रखना चाहिए था, वो भी नहीं हमारे पास, लगातार एक ही शॉट हम लोग क्यों करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो दिख के आता है कि आपने क्या मेहनत किया है। तो ये कि अगर आपको इक्विप किया जाए अच्छे से तो आप और अच्छा कर सकते हो। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी है? आने वाली यार मेरे को नहीं लगता अभी फिलहाल कुछ, मतलब कुछ डिसाइड हुआ है डेट अभी फिलहाल, एक आध रिलीज पैट की पड़ी है, जल्दी आ जाएगी। आपने अपने करियर की शुरुआत दिनेश जी के साथ कर रहे हैं, दिनेश जी अभी यूपी में है और चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, गोलू भाई की उपस्थिति नहीं है वहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं उनका भतीजा हूँ सबसे पहली बात, वो चाचा है मेरे, और वो दुनियादारी भी समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मेरा सबसे ख़राब अगर कोई सब्जेक्ट था तो वो हिस्ट्री था और सिविक्स था, और बहुत अच्छा भी लगता था मेरे को, लेकिन उनको समझना भी नहीं था कभी उसको उस तरीके से, पता नहीं हमेशा भटक जाता था, तो मैं ये है कि मैं कुछ खास वास्ता नहीं, बट आई नो इज डूइंग अ लॉट फॉर द लाइक यू नो कंट्री एंड यू नो स्टेट, और वो हमेशा से करते आए, वो ऐसे रहे हैं, तो हमेशा से लोगों की उन्होंने जी जान पसीना हमेशा एक समझा उन्होंने। क्या शुभकामना देना चाहेंगे अपने चाचा को? मैं तो उनको कभी भी फ़ोन कर देता हूँ, उनका पाँव पढ़ लेता हूँ, मेरे को खुश रहना बेटा कर देते हैं, अच्छे से बात हो जाती है। वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनकी जीत पक्की करने के लिए क्या शुभकामना देना चाहिए? देखिए कि उन्होंने हमेशा से ये किया है, वो कहीं खड़े हो या ना हो या कुछ टैग आए या नहीं आए, शुभकामनाएं देने या ना देने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो तो ऐसे है ही, और मेरे बोलने ना बोलने से वो जीतेंगे या हारेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं उनके लिए काम आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे हैं, गॉड ब्लेस हिम फॉर दैट, कि वो जो भी कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए और जब से एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, इन्होंने हमेशा मैं उसको भरोसा रखता हूँ। चुनाव प्रचार में आधी भोजपुरी इंडस्ट्री पहुंच गई, क्या गोलू बाबू जा रहे हैं उसमें? मैंने कहा सर आपको, मतलब मैं पॉलिटिकली इतना मतलब इन्वॉल्व नहीं हूं, तो मेरा जाके कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। नहीं, सपोर्ट के लिए तो बाकी स्टार जा रहे हैं, क्या गोलू बाबू तो चुनाव सपोर्ट ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं लगातार सपोर्ट है मेरा, मैं उनसे बात करता हूं फोन पे और मैसेजेस के थ्रू, और जो सोशल मीडिया पे हूं नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रांसपेरेंट हूं नहीं मैं लोगों के सामने, तो मेरा वहां होके ऐसे होना बड़ी बात नहीं है। एक लास्ट सवाल, आपकी फिल्म तीन स्टेट में रिलीज हुई है, क्या रिस्पांस मिला है बाकी जगह दर्शकों का? आपकी फिल्म तीन स्टेट में रिलीज हुई है, क्या रिस्पांस मिला है दर्शकों का, कुछ बताएंगे? दर्शकों का रिस्पांस जो है वो अच्छा ही मिल रहा है मेरे को यहाँ का, जहाँ तक अभी तक बताया। चलिए धन्यवाद सर। मैं बालाजी श्री, हमारी कंपनी है, हम लोग बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, और हमने काबरा जी के साथ में मिलकर ये फिल्म का प्रोडक्शन किया है, और सतीश जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, और अब ये फिल्म रिलीज की गई है जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है,
कोरोना के बाद अभी फिल्में चल नहीं रही हैं थिएट्रिकल, ये भोजपुरी की फिल्में, वो हिसाब से इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कितने फिल्में अभी तक आपने रिलीज की है? मैंने मतलब भोजपुरी की करीब 600 फिल्में रिलीज की। 600 फिल्मों का आपका अनुभव है, उस पे ये फिल्म कैसी किस प्रकार की, भारी है या हल्का है, कमजोर है, एवरेज है? कि मुझे लगता है बेहतरीन फिल्म है और बहुत अच्छा करेगी। जैसे एक पिक्चर थी निर्वार इच्छावाला 2, जो उसने कमाल किया था, वो जो ग्रॉस लेके आई थी वो कलेक्शन आज तक कभी दिखा नहीं था पहले। इस फिल्म से उम्मीद है, लेकिन कोरोना काल का ये जो बेसिक पीरियड है अभी, ये तो काफ़ी सिनेमा बंद हो गए, अभी सिनेमा चल नहीं रहे हैं, अभी बेसिकली 2-3 सिनेमा ही अभी बॉम्बे में खुले हुए हैं, मतलब 60-70% सिनेमा तो बंद हो चुके हैं। और ये सिनेमा तो क्या मल्टीप्लेक्स में भी चलेगी, भोजपुरी फिल्म को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्म जगेगी? आजकल तो बस मोबाइल में फिल्म आ रही है, भोजपुरी फिल्म मोबाइल में रिलीज हो रही है, सिनेमा चलता ही है। अभी ये इसी फिल्म का आप देख लीजिए, इसी सिनेमा में जो कलेक्शन है आपका करीब 30,000 के ऊपर हो जाएगा, जो कि आज बेसिकली जो कोरोना के बाद अभी तक कोई पिक्चर का हुआ नहीं है। पहले दिन का कलेक्शन 15-16 हज़ार रुपये होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, तो इसका आज ही 30-32 हज़ार रुपये हो जाएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन। तो क्या लगता है कि सौदागर के बाद दर्शक थिएटर में आएंगे? इसलिए पिछली फिल्में जो रिलीज हुई है उसका रिस्पॉन्स इस सिनेमा हॉल में अच्छा नहीं रहा है। आएगी 100% सौदागर चलेगी, और मतलब कलेक्शन इसका डे बाई डे बढ़ेगा और गिरेगा नहीं। सर क्षमा चाहता हूँ, सर काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, सर अपने बारे में कुछ बताएं। नहीं, मैं मेरा नाम है आशी तिवारी, और गोलू भाई की फिल्म रिलीज हुई है सौदागर। गोलू भाई एक ऐसे स्टार है भैया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बच्चे से लेके और हर जो उम्र के जो लोग हैं ऑडियंस है उनको पसंद करती हैं, और बहुत सारी फिल्में हैं, उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, मतलब सबका नाम ही याद नहीं है। बट कोरोना के बाद हमने जो मतलब यूपी भी मैं गया था, बिहार भी गया था भैया, और अभी जो आज मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से यहाँ पे ऑडियंस है मुंबई में, कुछ लोग तो खैर सबकी फिल्में अच्छा करें, सब लोग मेकर हैं, बहुत मेहनत से फिल्में बनती हैं, और सिनेमा बस जो सिनेमा कायदे का होता है वो सिनेमा बस सिनेमा हॉल के लिए होता है, OTT या YouTube इसके लिए नहीं होता है। तो ये कायदे की सिनेमा बनी है और सिनेमा हॉल में अभी हम लोग बैठ के देख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा है और ऑडियंस भी है, यहाँ झूठ मूठ एडिट वेडिट कर वैसी ऑडियंस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ऑडियंस बैठ के देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी होती है कि ऐसा रिस्पॉन्स सबको आना चाहिए, बट फिल्में भी अच्छी बननी चाहिए। ये फिल्म पहले ही ऑलरेडी जहाँ तक मुझे पता है रीमेक है, 18 करोड़ का बिजनेस अगर इसने छत्तीसगढ़ी में किया था, तो भोजपुरी में जो है भैया करोड़ों लोग, अगर सब लोग मेहनत करें प्रॉपर गाना, जो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं गाने पे, यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करते हैं, 1 मिलियन व्यूज पे, अगर 1 मिलियन उनका जो है पब्लिक आके फिल्म देख ले तो किसको फ़ायदा होगा? आज डिस्ट्रीब्यूटर को, सबको, उनको ही फ़ायदा होगा, जो प्रोड्यूसर होगा उनको फ़ायदा होगा, बट लोगों का आजकल ज़्यादा ध्यान है कि गाना पे कैसे पेड प्रमोशन मारना है, फिल्म के प्रमोशन में बहुत लोगों का ध्यान नहीं रहता है। बहुत सारी बातें बोला जाए तो बहुत दूर तक बात जाएगी, मतलब ये फिल्म अच्छी है और सबको आके, और जहाँ जहाँ ये फिल्म लगी है यूपी में लगी है, यूपी और बिहार में भी लगी है, तो सबको जाके ये फिल्म देखना चाहिए। और राजेश भैया इतना 600 से ज़्यादा ऑलमोस्ट फिल्में रिलीज किए हैं, इतना अनुभव है, ये बोल रहे हैं, मैंने तो देखा भी कलेक्शन जिस हिसाब से, तो उम्मीद है ये फिल्म मुंबई में भी बहुत अच्छा करेगी। अच्छा करेगी, अच्छा कर रही है और अच्छा आगे भी करेगी फिल्म, और जगह पे अच्छी अच्छे सिनेमा में भी चलेगी, क्योंकि पीरियड या भोजपुरी फिल्में लोग ज़्यादा करके अच्छे सिनेमा में नहीं लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, लेकिन ये फिल्म एकदम साफ सुथरी है और मतलब पूरा एंटरटेनिंग सिनेमा है, तो सिनेमा 100% बढ़ेंगे और अच्छे सिनेमा में लगेंगे। अभी मेरा पांडे जी से बात हो रहा था, ये जो बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो पिक्चर देख के इतना खुश हो गए हैं कि वो बोले कि अब मैं इसको पिक्चर को बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मतलब फैलाऊँगा नहीं एकदम, क्योंकि कलेक्शन अभी जो 3 बजे का था उससे कलेक्शन 2,000 रुपये बढ़ा हुआ है, 6 बजे का कलेक्शन, जो कि हमेशा 3 बजे के कलेक्शन से 6 बजे का कलेक्शन गिरता है, तो बहुत मतलब उनको कॉन्फिडेंस आ गया सिनेमा देख के, वो कहानी सुना रहे थे अभी मुझे।
अपने 600 फिल्म, ऐसा क्या वजह रहा है कि फिल्में भोजपुरी फिल्में कोई लगाना नहीं चाहता है, कोई मल्टीप्लेक्स देना नहीं चाहता है उसको, वजह क्या है? हमारा सिनेमा तो कैसा था ना, हमारा भोजपुरी सिनेमा जो पहले सिनेमा के लिए बनता था, तो थिएटर के लिए, फिर उसमें पहले डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ की फिल्में बनती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये चैनल्स आ गए, फिर उन्होंने एक प्राइस नक्की कर दी कि इसी के अंदर हम आपको पैसा देंगे और इतने अंदर ही बनाना है, तो फिर वो लिमिटेशन हो गया। और हमारी जो पब्लिक है वो भेड़ चाल वाली है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं कि भैया इतना 90 लाख रुपया मिल रहा है तो 85 लाख की बनाओ, 5 लाख रुपया कमाना है, और 5 लाख किसी को आज तक मिला नहीं है। बात सही है सर। और खुल के बोले, देखिए जो चीज़ें हैं इंडस्ट्री में चल रहा है वो आपको बताना जरूरी है, बहुत कम लोग खुल के बोल पाते हैं, उसमें से पहले शख्स आप देख रहे हैं जो खुल के बोल पा रहे हैं। नहीं नहीं, ये एक्चुअल में क्या है ना सर, सिनेमा कोई बनाता नहीं है, सब लोग प्रपोजल्स बना रहे हैं और सब लोग भेज, किसी के पास ना तो कहानी है ना तो किसी के पास वो है, सबको भोजपुरी फिल्म बनाना है, किसी को पकड़ लिए, किसी का 10-20 लाख रुपया लगवा दिए, ये कर दिए, चालू कर लेते हैं, पिक्चरें बना देते हैं, वो होता नहीं है, और सब लोग फिर रोते हुए घूमते फिरते रहते हैं। फिल्म बेसिकली फिल्म के हिसाब से भोजपुरी सिनेमा बनता नहीं है, 2-4 जन को छोड़ के, 2-4 लोग बनाते हैं। आज भी राजकुमार पांडे जी अच्छी फिल्में बनाते हैं, आज भी उनकी पहले अभी पिक्चर सबसे बड़ा सत्ता वाला आया था, उनको वो पिक्चर काफ़ी अच्छा किया, अभी loveviva.com आई थी वो भी पिक्चर अच्छा करके गई है, लेकिन क्या है बेसिक प्रॉपरली रिलीज भी नहीं हो पा रहा है सिनेमा, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, सबको यही लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चरें खुद बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ले लो, फिल्म बनाइए तो उसके पीछे रिलीज के लिए भी उतनी तैयारी करिए। चलिए धन्यवाद सर।